पहले मैं एक स्लाइस ब्रेड ले लेता हूँ, लंबे वाला लोप वाला, उसमें म्यूनिच डालता हूँ, म्यूनिच यह है भेज भी नीचे, उसको अच्छी तरह हमने पूरा ब्रेड में लगाना है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रधान फ्लेवर। ये सैंडविच है, बहुत मज़ेदार बनता है, उसको हमने रूलिंग टाइप का बनाएंगे, इसलिए मैंने लंबा लोप लिया हूँ। उसमें पहले मैंने मेयोनीज लगा दिया, अभी उसमें क्या करूँगा, दूसरा वाला स्लाइस रखूँगा थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से, उसके ऊपर मैं डालूँगा अभी ग्रीन चटनी, जो पुदीना और धनिया का मिक्स करके मैंने उसको बनाया हूँ, उस वाला इस चटनी को, ये बहुत टेस्टी रहता है, तीखा वाला थोड़ा थोड़ा खट्टा है भी है, और सैंडविच में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें डालता हूँ। उसको थोड़ा हमने अच्छा से फिनिशिंग करना है, अच्छा से, क्योंकि ब्रेड में वो अच्छा लगेगा देखने में, बटर नाइफ में। एक ग्रीन वाला चटनी हो गया, अभी मैं दूसरा ब्रेड ले लेता हूँ, ये तीन नंबर ब्रेड है, उसको भी थोड़ा ऐसे छोड़ के देता हूँ, उसमें मैं लगाता हूँ अभी टमाटर सॉस, चिली वाला। ये सैंडविच है, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, उसमें क्या ना म्यूनिज भी रहता है, हरी चटनी भी रहता है और सॉस भी रहता है, तो ये खट्टा मीठा का वो रहता है, फ्लेवर अच्छा आता है उसमें। अभी हमारा ये तैयार हो गया, अभी उसको मैंने रोलिंग करना है। इसे रोल बना दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल लेना है मेरे को, एक बड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल लेना है, और उसको मैंने उसके ऊपर रखना है, देखिए इसके ऊपर रखना है, और मैंने उसको क्या करना है, दोनों साइड से अच्छी तरफ से अच्छा से थोड़ा प्रेस कर दिया, दबा दिया, और एल्युमिनियम फॉइल से उसको रैप करना है, देखिए ये देखिए रैप कर दिया, ठीक है, ये रैप हो गया। उसके बाद हमने उसको ऐसे लॉक करना है, ऐसे ऐसे लॉक कर दिया, ये देखिए दोनों साइड से लॉक कर दिया। ये हो क्या करेंगे, इसलिए हमने रोल बना रखा, क्योंकि ये रोल खुलेगा नहीं है उसमें रोल कर देने के बाद। अभी उसको हमने क्या करना है, डीप फ्रीजर में एक घंटे के लिए रख देना है, उसके बाद उसको हम फिर बताऊंगा। अभी मैंने उसको यहाँ पे रख देता हूँ एक घंटे के लिए, ये जम जाएगा। एक घंटा हो गया है, अभी हम सैंडविच को निकालते हैं।
चलो अभी उसको हम फॉइल को खोलते हैं। चलो अभी हम कटिंग करते हैं। अभी हमारा सैंडविच तैयार है, देखिए उसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। ये हमारा अभी रोल सैंडविच तैयार है।